अच्छा जी, लुबना भी जो पहुंच गई है मकान पे सफाई की निगरानी करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करवाना है क्या नहीं। और लुबना ने आते ही बोल दिया है, वो आदमी जिसको लगवाया हुआ है सफाई के लिए, वो भी नीचे से कर रहा है सफाई पहले, क्योंकि सारे घर की सफाई होगी एक दफ़ा, जो जितना भी बूरा वगैरह था यहाँ से उठाया जाएगा, उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि पानी सारा नीचे जाना है, फिर वो बूरा उठाया नहीं जाएगा। तो लुबना ने आते कहना शुरू कर दिया कि ऊपर से जो है ना मैं झाड़ू पकड़ लेती हूँ और सफाई जो है ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास की बात नहीं है, ये सारा जो पेंट लगा हुआ है ना यहाँ पे पत्थर के ऊपर, ये पेंट सारा उतारना है, तो ये उन्हें पता है किस तरीके से उतारना है और वो खुद ही करेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि मैं आपसे सलाम दुआ कर लूँ, सारी बातें खुद ही कर गई हैं, तो मैंने कहा पहले सलाम दुआ कर लूँ। वो ना बड़ा मतलब लेजी सा ही है लग रहा है मुझे ना, क्योंकि सुबह तकरीबन 9 बजे से वो स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, 3 बज गए अब यहाँ से, सिर्फ वो बुरा वगैरह उठाया और 3 बज गए, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज रात 10-11 बज जाए, इसलिए मैं सोच रही थी। और उसको मुझे तर्स भी आ रहा था, कमज़ोर सा था बेचारा, तो मैंने कहा चलो ऊपर से मैं फर्श वगैरह ये वॉश कर देती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो सीमेंट और वो डिस्टेम्पर ये चूना वगैरह है ना, वो उसके साथ वो पता नहीं क्या जम गया हुआ है, तो वो उतारना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए आप, पूरा जो है ना पूरा वगैरह तो यहाँ से उठा लिया है, लेकिन अभी पत्थर जो है ना वो काफ़ी गंदा लग रहा है, सिर्फ इस वजह से गंदा लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर ना वो सारा पेंट वगैरह गिरा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना वो हम इसे नीट एंड क्लीन करवा लेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे नए घर की जो लुक होती है वो कैसी होती है और कैसी फीलिंग आ रही है आज आपको घर में आकर। बस मेरा दिल कर रहा है फटाफट से आ जाएं, आपको पता ही है कितने अरमानों से कितने चाहों से बनाए हैं, और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। बस समझ लो इंशाल्लाह आज आखिरी दिन है, अल्लाह ताला ने हमें कल से बढ़ के नवाजा है, और बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह ताला जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सबके सबको अपने अपने घर दे। ये देखें जी, यहाँ पे हम लोग ऐसे हुए पड़े हैं ना कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती अपने दिल की कैफियत को। हमें अपने घर की खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन वो खुशी जो है ना इन सब चीज़ों को देख देख के ना, वो पता नहीं कहीं गुम ही हो गई हुई है। यकीन करें आप, तकरीबन घर के सारे लोटे बंद हैं। हम तो आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर मकान लेते हैं तो डीलर्स के थ्रू ना लें, दूसरा डीलर्स के थ्रू कभी ना लेगा, और डीलर्स पे कभी यकीन ना करें, डीलर के थ्रू जो भी मकान लेगा वो जलील ही होगा, जैसे हम आप यकीन करें। हम लोग इसके ऊपर इतना पैसा लगा चुके हैं ना, लेकिन अभी तक इसके मसले मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मैंने और उमर ने सुबह, हम लोग उमर तो 9 बजे के आ गए थे और मैं मेरे ख्याल में 2:30-2 बजे आई हूँ, तो मैंने तब का आके ना, तो हम लोगों ने ये खुर्च खुर्च के ना इसकी वो, हमारे यकीन करें हाथ जो है ना वो दुखने लगे, और अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये अभी भी यहाँ पे सीमेंट वगैरह कुछ कुछ जो है ना वो बाकी है, जिसको हम लोगों ने अभी रिमूव करना है। तो यकीन करें आज इतना कुछ थक गई हूँ ना मैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, नीचे बैठ बैठ के इसका वो सीमेंट खुरच खुरच के ना हमारी बस हुई पड़ी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा हम लोगों ने दोनों ने खुद, और हमने आपको मज़े की बात बताएं, एक मजदूर भी लगाया था जिसको हमने 1000 पे किया है, और उसने क्या किया, जस्ट बुरा उठा के पूरे दिन में स्लो स्लो काम करता है और चला गया है वो। हालांकि बुरा हमको तो खा लेते, उसे बाद में कहते हैं मेन काम जो करते हैं, मेन चीज़ तो ये थी, और हम लोगों की यही, हम लोग तो अपने आप, लोग चाहे हमें कहें ना कहें, हम लोग अपने आप को मासूम ही कहेंगे। आजकल के दौर में कोई बंदा भी जो है ना वो इतना मासूम नहीं होगा जितने हम हैं, कि हमें लोग बेवकूफ़ बना के मिनटों में, हम लोग हर बंदे की मीठी ज़बान पे यकीन कर लेते हैं कि जी अगले बंदे की ज़ुबान बड़ी मीठी है और शायद वो हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ लोग मुनाफिक हैं, ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का सिला देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। अच्छा जी, काम जो है वो तो ख़त्म नहीं हुआ, और लेकिन हम जो है ना वो खुद ही बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं उसको कोशिश करके कि खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे के कि जी काम ख़त्म हो गया है, तो ऐसे ही जो है ना हम छोड़ के जा रहे हैं। ये देखें, हूँ ये जो है ना स्वेलिंग हो गई है हाथों पे, ये देखिए
हाँ जी, वो खरोच खरोच ये मेरे भी देख सकते हैं आप, अगर आपको नजर आ रहे हो तो वो ऐसे जो है ना वो यहाँ से वो तार तार के ना सीमेंट हला के ये ये हमने ना ये हमने ना डीलर के थ्रू लिया था मकान और उन्होंने हमें तैयार करवा के दिया है। और ये काम उनका था सफाई वगैरह करवाना, हमने कहा उल्टा जो है ना वो हमें कहने लग पड़े कि जी ये हमारा काम नहीं है, आप खुद करवाएं। हालांकि जो मकान बना के देते हैं वो सफाई भी करवा के देते हैं। और यहाँ पे तो फ्लश तक जो है ना वो सारे बंद पड़े हैं, जो हमें हमने सुबह ईसाई को बुलवाना है और उससे जो है ना वो खुलवाने हैं, वो बिल्कुल ही बंद है। और उसने सुबह 9 बजे से काम स्टार्ट किया हुआ था और शाम को 6 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ था बुरा वगैरह वो निकाल के गया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो हम लोग अब रात के तकरीबन 11 बज गए हैं, हम लोग अभी तक यहाँ पे हैं सिर्फ इस वजह से कि आज हम लोग ये काम क्लियर करके जाएँ ताकि हम लोगों ने घर पर वापस करना है 15 डेट को, तो उससे पहले पहले जो है ना हम लोग शिफ्टिंग कर लें यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन हाँ अभी जो है ना वो गंद है वैसे पड़े हुए, अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, ये देखें अभी वॉश होना है दोबारा ये 2 से 3 दफा। हाँ वो जो सीमेंट वगैरह था ना वो हमने उतार रहे हैं यहाँ पे, जो वाइट सीमेंट। हाँ जी, ये टाइल जो है ना नीचे से नजर आ रही है आपको, ब्लैक टाइल माशाल्लाह से प्यारी लग रही है। ऊपर से भी हमने ये किचन जो है ना ये हमने इसकी शेल्फ वगैरह भी साफ करनी है, ये अभी साफ नहीं की, ये साफ करेंगे। लेकिन रूम जो है ना वो भी हमने फिलहाल अपने तौर से जो है ना वो कर लिया है नीट एंड क्लीन। रूम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे पत्थर हो रहा है और बाहर जो है ना बाहर पत्थर हो रहा है। हमने खुद ही जो है ना थोड़ा चेंज लगवाया था बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो वो आपको पता शीट वगैरह या कारपेट वगैरह जो है ना वो डल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कुछ नहीं डलना था, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे हमने ये वाला पत्थर लगवाया। जी बिल्कुल, लेकिन हम आपको फिर कहेंगे कि आपने कभी भी डीलर के थ्रू मकान नहीं लेना, सोच समझ के आपने ये सारा डिसीजन लेना है, क्योंकि मतलब बंदे को जब एक्सपीरियंस ही ना होता तो लोग इस चीज का नाजायज तब से जायज फायदा उठाते हैं जब अगला बंदा बेचारा जो है वो बस हाँ में हाँ मिलाने वाला हो कुछ चीजों में, जब इख्तलाफ बंदा करता है तो फिर वो बुरा बन जाता है लोगों की नजरों में, और अगर हाँ में हाँ मिलाता है तो उससे बढ़ के अच्छा कोई है ही नहीं है। जी बिल्कुल, और बहुत छोटी छोटी बातें जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे कि आपने जब घर के बनाने के लिए स्टाफ वगैरह करना है तो आपने छोटी छोटी बातों को भी जो है ना मद्देनजर रखना है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जो हाँ जी जो हमने लिखे नहीं थे, तहरीरी तौर पर ही लिखे थे हमने, वैसे जुबानी जुबानी बात हुई थी लेकिन बाद में वो हर बात से मुकर गए, इसलिए अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि आइंदा कभी भी किसी के साथ जुबानी बात नहीं करनी, जब भी किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो तहरीरी एग्रीमेंट करेंगे। और छोटी छोटी बात भी अब जो हमें पता चली है वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे, कि छोटी छोटी बात जो है ना वो भी उनसे रिटर्न लिखवाया करें, चाहे वो 100 दफा बोलें कि आपको हम पे यकीन नहीं है, हम पे यकीन करें, हम आपके ऐसे हैं, हम आपके वैसे, फिर भी आप लोगों ने यकीन नहीं करना। आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है, इसलिए किसी पे भी आपने यकीन नहीं करना, जितना मर्जी कहे मैं आपका भाई हूँ, जितना मर्जी वो कहे। हाँ जी, हम लोगों को मतलब अपने एक सेकंड का पता नहीं है, आजकल मौत भी इस तरह ही हो रही है, अभी है अब 2 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद पता भी नहीं कि है भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ने की जो एक चाह है ना वो हम लोगों में इतनी कुछ सरवाइव कर चुकी हुई है ना कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। बस ये है कि दूसरे के पास जो है उसे छीन के खुद खा लिया जाए। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी एग्रीमेंट करें, कोई भी काम करें तो उसे सिंसियर तरीके से करें, क्योंकि अगर हम लोग उस चीज़ के पैसे लेते हैं तो मेरे ख्याल में उसको हम हलाल करके नहीं खाते हैं। अब हम लोग कोई काम करते हैं, अब आज मजदूर को बुलाया है, उसने जान बूझ के सुबह से लेकर शाम की है ताकि मुझे मेरा एक दिन कंप्लीट हो और मुझे कल फिर बुलाएं तो फिर मैं एक और दिन लगाऊँ, इस तरह तो नहीं होता जी बिल्कुल। लेकिन हमने जो है ना वो खुद ही ये सारा कुछ कर लिया है, अपनी सफाइयाँ जो है, क्योंकि कल मजदूर को फिर बुला लेते ना, फिर भी उसने कल के दिन में भी कवर नहीं करना था, हमने जो 3 घंटों में कर लिया ना उसने कल पूरा दिन लगा के फिर दोबारा कवर नहीं करना था। और मुझे ये लेजी काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ जब बंदा एक्टिव होकर फटाफट से करे, ऐसे जान छुड़वाने वाला काम। चले अब घर चले, हम रात का जो है ना वो 12 बज गए हैं, तो यहीं पे हमें मकान पे पहला दिन है कि हम रात के 12 बजे तक यहाँ पे सिर्फ सफाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग करनी है और जल्दी हमें बहुत है कि घर में जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के भी लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, इंशाल्लाह जो जो हम लोग अपने घर में डेकोरेशन करेंगे, सेटिंग करेंगे, जो कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
बाद भी सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए ना, अल्लाह हाफिज़।